लिटरली ऐसा टाइम आ गया था कि जब मैंने इंस्टाग्राम क्विट कर दिया था, 1 करोड़ तक मेरे व्यूज गए हैं। मतलब मुझे ना समझ ये नहीं आता था कि ट्रेंडिंग गानों पे सारे रील्स बना रहे हैं, सबके व्यूज आ रहे हैं, सबके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जब मैं वो एक ट्रेंडिंग गाना यूज कर रही हूँ तो मेरे क्यों नहीं व्यूज आ रहे, मेरे क्यों नहीं फॉलोअर्स बढ़ रहे। और सब पे ही गाइज अबव 10,000 व्यूज थे। ट्रेंडिंग गानों पे रील बनाना इट्स डन नाउ। Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Manmeet Arora and I make videos around fashion, beauty and travel. और क्योंकि आज फ्राइडे है तो स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ हैशटैग मीत की बातें। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। आपको कैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चूज करने हैं और कहाँ पे क्या चीज ट्राई करनी है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अभी 2024 चल रहा है एंड आई हैव बीन इनटू कंटेंट क्रिएशन सिंस 2019, यानी कि ऑलमोस्ट 5 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन आपको ये सुन के बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है कि अभी तक इंस्टाग्राम पे मेरे 10.9K फॉलोअर्स हैं। अभी इस रेस में मैं बिल्कुल यूट्यूब की बात नहीं करूंगी क्योंकि यूट्यूब मैंने 2021 में सीरियसली शुरू करा था, लेकिन इंस्टाग्राम को मैं बहुत सीरियसली 2019 के एंड से कर रही हूँ। 2019 में एक दौर आया था कि सबको कंटेंट क्रिएटर बनना था, सबको देखना था कि क्या है ये इंडस्ट्री। मैं बस ब्लाइंडली इंस्टाग्राम के पीछे लगी हुई थी कि मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ करना है, मुझे अगर 10K करने हैं, मुझे 10K करने हैं, 10K का रोना लगाया हुआ था मैंने कब से। मतलब मुझे ना समझ ये नहीं आता था कि ट्रेंडिंग गानों पे सारे रील्स बना रहे हैं, सबके व्यूज आ रहे हैं, सबके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जब मैं वो एक ट्रेंडिंग गाना यूज कर रही हूँ तो मेरे क्यों नहीं व्यूज आ रहे, मेरे क्यों नहीं फॉलोअर्स बढ़ रहे। 2021 में आई फाइनली अंडरस्टूड कि मुझे 10K की रेस में नहीं दौड़ना है अब। अगर इंस्टाग्राम पे मेरी दाल नहीं गल रही है, इट्स हाई टाइम आई नीड टू शिफ्ट माय प्लेटफॉर्म, आई नीड टू वर्क ऑन अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड यूट्यूब वेरी सीरियसली। और फिर फाइनली 2 सालों बाद इन 2023 माई चैनल गॉट मोनेटाइज्ड। पूरा लास्ट ईयर मैंने जी जान लगाई सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर। आई यूज टू ब्रेनस्टॉर्म, मैं सोचती थी कि अब क्या नया करूं, अब क्या नया करूं, पर उसी वजह से मेरी आज एक अच्छी ग्रोथ है यूट्यूब पर। चलो हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं। सो आई अपलोडेड दिस यूट्यूब शॉर्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब यही सेम वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर एज अ रील अपलोड करी और वहां पे मेरे इतने व्यूज आए। कैन यू गाइस सी द डिफरेंस? अब आप बोलोगे कि यार यूट्यूब पे तो आपके 71,000 सब्सक्राइबर्स है, क्या बात कर रहे हो, सेम व्यूज कैसे आ जाएंगे। यूट्यूब शॉर्ट्स के जो व्यूज होते हैं ना वो मोस्टली मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स के पास जाते हैं। यूट्यूब हमारे शॉर्ट्स को इस तरीके से प्रमोट करता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस के पास जाए। यूट्यूब करने से मुझे ये समझ आया कि शायद ट्रेंडिंग गानों पे वीडियोस बनाना मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे लक में नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, ये स्टेप कर, ये ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन, नथिंग इज वर्किंग। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वॉइस ओवर शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब चैनल एंड लिटरली आफ्टर बीइंग रेगुलर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मुझे ग्रोथ मिली, रीच मिली यूट्यूब पर। टुडे टचवुड वी हैव ऑलमोस्ट 72,000 सब्सक्राइबर्स व्हिच इज अ ह्यूज 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 डील। लिटरली ऐसा टाइम आ गया था कि जब मैंने इंस्टाग्राम क्विट कर दिया था, कुछ 1-2 महीने हो गए थे मैंने कुछ भी कंटेंट अपलोड नहीं करा था, मैं सिर्फ स्टोरीज करती थी क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता था करना। बट आज से कुछ 6 महीने पहले मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट उठाया अपना, वॉइस ओवर था उसमें अच्छा सा। आई जस्ट थॉट कि चल यार बहुत टाइम हो गया इंस्टाग्राम पे कुछ डाला नहीं है, डाल देते हैं। एंड समहाउ इट जस्ट पिक्ड अप, उस पर कुछ 3 लाख व्यूज आए और मैं शॉक हो गई कि ये क्या हुआ है भाई ये। फिर थोड़े दिन बाद एक और वीडियो डाली विद वॉइस ओवर अगेन, और सब पे ही गाइज अबव 10,000 व्यूज थे, सब पर ही अच्छे व्यूज थे। एक पे 5.5 लाख गए आई रिमेम्बर, एक पे 3.5 लाख गए। वो दिन है और आज का दिन है, पिछले 6 महीने से मैंने जितने भी रील्स डाली है ना, आप लोग प्लीज जाके देख लो, सब में वॉइस ओवर्स हैं। तो अगर आप एक बडिंग कंटेंट क्रिएटर हो या अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो बस आपको यही बोलूंगी कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे टिक के मत बैठ जाओ कि मुझे जी इंस्टाग्राम पे ही करना है या मुझे सिर्फ यूट्यूब ही करना है। आज की डेट में दोनों प्लेटफॉर्म्स पे नाम कमाना बहुत जरूरी है। आपको लिटरली नहीं पता कि व्हाट द अदर प्लेटफॉर्म हैज इन स्टोर फॉर यू। मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब पर मेरी कुछ वीडियोस इतनी अमेजिंगली वायरल हो जाएंगी। आई मीन कुछ मेरी लॉन्ग वीडियोस हैं जिन पे बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, और शॉर्ट्स पे तो 1 करोड़ व्यूज गाइस, 1 करोड़ तक मेरे व्यूज गए हैं। एंड टुडे बाय गॉड्स ग्रेस वी आर ऑलमोस्ट अ फैमिली ऑफ 72,000 सब्सक्राइबर्स व्हिच इज अ ह्यूज डील। सो यार दैट्स बेसिकली इट, ये थी मेरी कहानी। आई होप आपको मेरी कहानी
इंस्पायर करेगी. एंड आई जस्ट वांट टू से कि एक ही चीज के पीछे मत भाग करो, यू नीड टू ट्राई समथिंग एल्स नाउ बिकॉज इट्स डन एंड डस्टेड नाउ. ट्रेंडिंग ऑन ऑफ द रील बनाना, इट्स डन नाउ. अब आपके पास एक कहानी होनी चाहिए, एक अपनी खुद की बात होनी चाहिए कहने के लिए, तब जाके मुझे लगता है कि उस वीडियो में दम होता है एंड इट इवेंचुअली बिकम्स शेयरेबल. लोग कमेंट करते हैं, सेव करते हैं एंड दैट्स हाउ यू ग्रो. बाकी आपके कोई भी डाउट्स हों प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड ऑफ हैशटैग मीत की बातें एंड होता है. वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पर मुझे आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है. मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत ही जल्द. बाय बाय.